हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से लच्छा पराठा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये हेल्दी भी है। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। तो 2 कप हम गेहूं का आटा ले लेंगे। तो ये 2 कप हमने गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून जितना, और नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और घी को भी आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी और नमक आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, वैसा सॉफ्ट आटा गूंद लेना है। तो ये हमने आटा गूंद लिया है। आटे को इस तरीके से 5 मिनट तक अच्छे से मसल लेना है। जितना आटे को अच्छे से मसलेंगे, पराठे उतने ही अच्छे बनेंगे। तो आटे को हमने 5 मिनट के लिए मसल लिया है। आटे को हम ढक के सेट होने के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम पराठे बनाएंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा सेट हो गया है। आटे पे हम थोड़ा सा घी लगा के आटे को फिर से एक बार हम मसल लेंगे। आटे को हमने अच्छे से मसल लिया है। बहुत ही सॉफ्ट आटा है, आप देख सकते हो, एकदम स्मूथ आटा हमारा रेडी है। अब हम इसमें से लोए बना लेते हैं। तो हम बड़ी साइज के लोए बनाएंगे। रोटी से डबल साइज का हमको लोए बना लेने हैं। तो ये हमने एक लोया बना लिया है। इसी तरीके से सारे आटे में से हम लोए बना लेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पर 7 लोए बना लिए हैं। इसको हम ढक के रखेंगे जिससे ये सूखे नहीं, और एक लोया लेके हम इसकी रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सूखे आटे की मदद से हम एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। पतली सी रोटी बना लेनी है। बीच बीच में जरूरत पड़ने पर हम सूखा आटा लगाएंगे और इस तरीके से रोटी बना लेंगे। तो ये हमने बड़ी सी रोटी बना ली है। इस तरीके से पतली सी बड़ी सी रोटी बना लेनी है। पहले मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। इतनी पतली हमको रोटी बनानी है। इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे। तो घी एकदम पिघला हुआ नहीं लेंगे, हल्का सा जमा हुआ लेंगे। पूरी रोटी पे हम अच्छे से घी लगा लेंगे। तो ये हमने घी लगा लिया है। अब हम सूखा आटा इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेंगे पूरी रोटी पे। तो ये हमने पूरी रोटी पे अच्छे से सूखा आटा स्प्रिंकल कर लिया है। आटे को इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो पूरी रोटी पे आटे को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसकी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो, इस तरीके से हमको इसकी प्लेट्स बनानी है। एक के ऊपर एक रखते जाना है और इस तरीके से हम दबाते जाएंगे हल्के हाथ से। मैं आपको इस साइड से भी दिखाऊंगी, आपको आइडिया आ जाएगा किस तरीके से प्लेट्स बनानी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस साइड से कैसा दिख रहा है। इस तरीके से हमको एक के ऊपर एक रखते जाना है और प्लेट्स बना लेनी है। बहुत ही इजी है, बहुत ही झटपट से ये बन जाती है प्लेट्स। तो ये हमने प्लेट्स बना ली है। हल्के हाथ से इसको दबाएंगे। तो इस तरीके से दबाते हुए इसको हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, एकदम हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से हम दबा लेंगे। तो ये हो गया है। अब हम इसका लुआ बना लेते हैं। इस तरीके से हमको फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा रोल बन के रेडी है। पहला लच्छा पराठा के लिए बहुत ही अच्छा रोल बना है, आप देख सकते हो। इसको तुरंत इसमें से लच्छा पराठे नहीं बनाने हैं। इसको भी हमको 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखना है। तो मैं आपको एक दूसरी स्टाइल दिखाती हूँ। उसके लिए भी हम पहले बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, जैसे हमने पहले बेली थी, और उसी तरीके से हम रोटी पे घी भी लगा लेंगे अच्छे से, और इसके ऊपर हम सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। सूखे आटे को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और अब हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिज्जा कटर लिया है, आप चाहे तो चाकू से भी कर सकते हो। इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिप में हमको कट कर लेना है, अच्छे से दबा के कट कर लेना है।
तो पूरी रोटी पे हम इसी तरीके से कट लगा लेंगे। तो ये हमने पूरी रोटी पे अच्छे से कट लगा लिया है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये स्टाइल भी बहुत ही इजी है लच्छा पराठा बनाने के लिए। तो ये अच्छे से फोल्ड कर लिया है, हम हल्के हाथ से इसको भी दबा लेंगे और इसका भी हम रोल बना लेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा दूसरी स्टाइल के लिए लच्छा पराठा का रोल भी रेडी है। तो अब हम इसको भी सेट होने के लिए रख देंगे। टोटल हमने 4 लच्छा पराठे के लिए रोल बना लिए हैं, दो दो अलग अलग स्टाइल से बनाए हैं। इसको हम ढक के 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हम इसमें से लच्छा पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। जो हमने सबसे पहले बना के रखा था वो हम पहले बेल लेंगे। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसमें से पराठा बना लेंगे। एकदम हल्के हाथ से बेलेंगे, आटा हमारा सॉफ्ट है तो बहुत ही इजीली ये बेल जाता है। तो पराठा हमको ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ। तो ये पराठा रेडी है, हम सेक लेते हैं। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए, पराठा हम डाल देंगे तवे पे। एक तरफ अच्छा सा सीख जाए फिर हम इसको पलट लेंगे। तो एक तरफ सीख गया है, दूसरी ओर भी इसी तरीके से अच्छे से सेक लेंगे। तो दूसरी ओर भी अच्छे से सीख गया है। इसके ऊपर हम अच्छे से घी लगा लेंगे। और इसको पलट के दोनों ओर अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। गैस की मीडियम फ्लेम में अच्छे से सेक लेना है। तो आप देख सकते हो इसमें लच्छा भी हमको दिखने लग गया है। इसको और अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। तो ये हमारा पराठा अच्छे से सिक गया, एकदम क्रिस्पी है। आप देख सकते हो लच्छे भी दिखने लग गए हैं। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से दूसरा भी सेक लेंगे। तो दूसरी स्टाइल से जो हमने बनाया था कट करके, उसको भी हम पहले बेल लेंगे। पराठा ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो ये पराठा बेल लिया है, अब हम सेक लेते हैं। तवा अच्छा गर्म है, एक तरफ सिक जाएगा फिर हम पलट लेंगे। तो ये एक तरफ सीख गया है, इसको हम पलट लेते हैं। दूसरी ओर भी अच्छे से सेक लेंगे। दूसरी ओर अच्छे से सीख गया है, इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे और दोनों ओर पलट पलट के अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ये पराठा भी बहुत ही अच्छा बना है, इसमें भी बहुत ही अच्छे लच्छे दिख रहे हैं। इसको भी अच्छे से सीख लिया है, इसको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी के पराठे भी बना लेंगे। तो हमने चारों पराठे बना लिए हैं, आप देख सकते हो बहुत ही खस्ता क्रिस्पी पराठा बना है। बहुत सारे इसमें लेयर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे लच्छे बने हैं। दोनों पराठे दोनों स्टाइल से बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कुकिंग।